स्वागत होगा आज फिर ना आपका अपनी दुकान मार्केटिंग जोन चैनल पर, और मैं खुद अनिल कुमार और मेरा खुद का चैनल। आप लोग पूछा करते थे ना कि अनिल भाई दिल्ली सदर बाजार में फ्रॉड कैसे होता है, और मैं बार बार हर बंदे को बताता हूँ कि फ्रॉड जो करता है ना, सबसे पहला काम यूट्यूबर करता है। क्योंकि ना ऐसी वीडियो मैंने डाउनलोड किया है जो कि ना एक यूट्यूबर ने पैसा लेके, आप देखना मैं नंबर भी नहीं मिटाने वाला उसका, उस वीडियो पे वही नंबर चलेगा जो यूट्यूबर ने डाला हुआ है। लेकिन मेरा खुद का नंबर जो होता है ना वो 88 60 43 23 54 नंबर होता है। 241,000 वीडियो चला है, लगभग 200,000 कस्टमर आया होगा। लेकिन ना जब कस्टमर यूट्यूब को खोलता है और चैनल पर जहां मेरा फेस देखता है वहीं पर लिखा करता है, कमेंट करता है, ये बंदा चोर है। अनिल भाई चोर नहीं है, क्योंकि वो जो नंबर चल रहा है वीडियो अनिल भाई का है, लेकिन नंबर किसी और का है। जब वो कॉल करके दिल्ली सदर बाजार में आते हैं ना, तो वो लोग जब व्यापारी पूछा करता है कि भाई अनिल भाई कहाँ है, तो अनिल भाई को बताया जाता है कि या तो वो बीमार है या वो ना घूमने कहीं हरिद्वार वगैरह निकल गया है। 2-4 दिन में आता होगा, भैया वीडियो कॉलिंग पे बात कराइए, तो कोई बंदा ना वीडियो कॉलिंग पे भी नहीं बात कराता। और अनिल भाई के साथ में ना कैसा दिल्ली सदर बाजार के अंदर यूट्यूबर धोखा किया करता है ना, ये वीडियो आपके लिए। ये बिंदिया जो है ना मैंने कस्टमर के लिए फ्री ऑफर के अंदर में रखा, 25 पैसे बताया जाएगा। आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर माल भी है, कैप भी है, प्रिंट भी है, बोतल भी है और डब्बा प्रिंटेड भी है। 25 पैसे की आइटम नहीं हो सकती भैया। आपको ये 25 पैसे बताने के बाद आपको 10 रुपए की पड़ रही है, आप कमा नहीं सकते इसके अंदर में। मेरे पास ये 1.5 रुपए की आइटम है, आइटम तो बाद में भी देख लूंगा, कस्टमर मेरी बात को सुनेंगे। कस्टमर को जागरूक करना है, केवल कस्टमर को जागरूक करना है। माल क्या है अभी मैं बता देता हूँ वीडियो के अंदर में। भैया आ जाओ मेरी दुकान के ऊपर में, ये 25 पैसे के अंदर है। और अगर कहीं किसी वाइफ का हस्बैंड ले गया तो उस घर में तो पक्का झगड़ा होना है जी, क्योंकि इसके अंदर दिक्कत ही दिक्कत है। बिगना दिक्कत के इसमें कुछ नहीं है, और डस्टबिन में ऐसे फेंका जाएगा इस माल को। मैं आपको लगाएं कॉस्मेटिक ज्वेलरी के बहुत बड़े गोदाम में, यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक ज्वेलरी का काफी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। हाँ सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। सर आज क्या क्या दिखाने वाले हैं? भैया आज क्या दिखाऊं और क्या बताऊं, कस्टमर के लिए ना मैंने कुछ नया ही सोचा इस बार। ठीक है, सबसे पहले तो करवा चौथ और दिवाली ऑफर के अंदर में। ठीक है, ये बिंदिया जो है ना मैंने कस्टमर के लिए फ्री ऑफर के अंदर में रखा है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि कस्टमर जब कहीं से भी आता है तो लोग तो सोचते हैं कि एक चीज के साथ में एक फ्री है, तो मैंने सोचा कि क्या फ्री देने वाला हूं मैं। करवा चौथ स्पेशल के अंदर में ये बिंदियों का जो पूरा का पूरा है ये मैंने फ्री ऑफर के अंदर में रखा है। और नेक्स्ट आइटम के अंदर में ना भैया ऐसे के अंदर में सेट दिखाने वाला हूं जो 75 रुपीज के अंदर में, 75 ये 75 आप ले जा करके यहां से ना, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर 100 रुपीज का भी बेचोगे, कम मार्जिन रखोगे माल भी बेचोगे। लेकिन आज ना माल तो बाद में बेचते हैं, लेकिन एक सदर बाजार की एक सच्चाई बताते हैं कि कोई भी कस्टमर कहीं गांव देहात किसी भी स्टेट से आता है, नई दिल्ली उतरे चाहे पुरानी दिल्ली उतरे चाहे आर के आश्रम उतरे, कहीं भी उतरता है, सदर बाजार के अंदर में सारी वीडियो आज के टाइम में एक फ्रॉड होने लगी है। फ्रॉड ये होने लगी है कि जहां से भी आप रिक्शे में बैठोगे सदर बाजार आने के लिए, हर बंदा आपको कार्ड लेके मिलेगा जो कहेगा कि मेरी शॉप पर चलो आपको 25 पैसे के अंदर में मैं आइटम दिखाने वाला हूं। लेकिन 25 पैसे के अंदर भैया एक पानी का गिलास नहीं आता, ये कस्टमर भी समझते हैं, लेकिन पता नहीं कस्टमर उनके साथ में क्यों जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है जो वीडियो बनती है सब लोग बोलते हैं कि हमारी 6 शॉप है 7 शॉप है, लेकिन जब वो शॉप के ऊपर में जिस बंदे ने वीडियो बनाई है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप अगर मेरी दुकान पर आओगे तो आपको माल देने वाला भी मैं होऊंगा और आपका बिल बनाने वाला भी मैं होऊंगा। क्या होता है कि कुछ लोग अपने कमीशन के चक्कर में एक वीडियो वाले को बुलाते हैं, ये हमारे खुद के भाई का चैनल है जिसपे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, वीडियो वाले को बुलाते हैं। कस्टमर के साथ एक धोखा करना गलत होता है, 25 पैसे के अंदर में कुछ नहीं आता है। आप नई दिल्ली से आओ, पुरानी दिल्ली से आओ, चाहे बस अड्डे से आओ, जहां से भी आओगे सदर बाजार जो भी चौक के बीच में आता है, आर के आश्रम, लोहरी गेट और आपका मिठाई पुल, वहां से हर जगह आपको कार्ड वाला मिलेगा, वो एजेंट लोग होते हैं। आपको 25 पैसे आओ मैडम हमारी शॉप है, वो आपको अंदर बिठाएगा और खुद बाहर चला जाएगा। कितने का आपने माल लिया उनका 20% उसके अंदर में कमीशन हो गया। अगर उसकी खुद की दुकान है, मैं खुद की वीडियो बना रहा हूं दुकान के ऊपर, आप दुकान पे आके विजिट करो, माल मत लेना, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही आपको माल दूंगा। अगर मेरी दुकान है तो मैं ही माल दूंगा ना, कोई लड़का माल नहीं देगा। वीडियो के चक्कर में कोई भी ना पड़े, 25 पैसे और 50 पैसे के अंदर मार्केट के अंदर कुछ नहीं आता है जी। ये कस्टमर सोचेगा, क्योंकि जो कस्टमर 1 रुपए के अंदर में 4 अठन्नी ढूंढते हैं वो हो नहीं सकती जी। वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 रुपए के अंदर में अगर आप 4 54 को ढूंढोगे तो वो पॉसिबल है, और वो आपको भी बेनिफिट में देगी और आप हमारे अगले
बिजनेस के अंदर में जुड़ने वाले कस्टमर बनोगे, क्योंकि जब आप कुछ प्रॉफिट करोगे, 20,000 का माल खरीदते हो, 25-30,000 रुपए आप कमाओगे तो आप हमारे पास आओगे। अगर 25 पैसे के कार्ड वाले के साथ में जाओगे आप उसके खुद जिम्मेवार होगे। वैरायटी में आज बहुत कम दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास नेल पेंट है, लिपस्टिक है, लाइनर है, मस्कारा है, सब कुछ है, पैर से लेके सर तक का सारा आइटम है। लेकिन मैं आइटम तो बाद में भी देख लूंगा, कस्टमर मेरी बात को सुनेंगे। कस्टमर को जागरूक करना है, केवल कस्टमरों को जागरूक करना है। माल क्या है अभी मैं बता देता हूँ वीडियो के अंदर में। भैया आ जाओ मेरी दुकान के ऊपर में, ये 25 पैसे के अंदर है। अगर कस्टमर को मैं 50 डब्बे खोल के दिखाऊंगा, कस्टमर इसका मेरे को रेट नहीं बता सकता कि ये आइटम मैंने उसको क्या रेट बताई है। इसका रेट मैं अपनी मर्जी से ही लगाऊंगा उसके अंदर में, और कस्टमर के माइंड में चलेगा ये 25 पैसे का है। भैया 25 पैसे के अंदर पानी का गिलास नहीं आता, 5 रुपए के 2 मिलते हैं, वो भी आधा मिलता है, और पानी पीने के बाद वो गिलास भी उस दुकानदार को वापसी देना होता है जिसके आपने 5 रुपए पे करे हैं। तो आप 25 पैसे के अंदर में आइटम के पीछे ना जाएं। अब दिखाता हूं मैं आपको अपनी दुकान की कुछ जो चुमिंदा वैरायटी है, 2 से 4 वैरायटी दिखाऊंगा। अच्छा लगेगा, शॉप पे आओ, माल मत लो, दुकान के ऊपर में विजिट करो। मैंने वीडियो बनाई है, मेरा खुद का नाम अनिल होगा। भैया वैरायटी की जो बात कर रहा था, देखिए आप सदर बाजार में ना किसी भी शॉप पर जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ सारी बातें। मैं सदर बाजार के अंदर में रहते रहते बहुत कुछ सीखा हूँ, कुछ भी नहीं था, सदर बाजार ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आप कार्ड वाले के साथ में जाना है, 25 पैसे दिखाएंगे, बताएंगे 3 रुपए का बॉक्स है। आप पूरे बिल में चेक कर लेना, 3 रुपए कहीं नहीं लिखे होंगे जी। ये 3 रुपए के पीस में 36 रुपए जरूर लिखे होंगे, लेकिन 25 पैसे पीस में 3 रुपए कहीं नहीं लिखे हुए मिलेंगे। मेरे पास 3 रुपए का ये बॉक्स ही नहीं है, मेरे पास ये 1.5 रुपए से पीस स्टार्ट है, 1.5 रुपए से जो कि 18 रुपए दर्जन के अंदर में स्टार्ट होता है। और किसी भी शॉप पर जाना आप, इसका रेट ही आपको 25 पैसे बताया जाएगा। आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर माल भी है, कैप भी है, प्रिंट भी है, बोतल भी है, और डब्बा प्रिंटेड भी है। 25 पैसे की आइटम नहीं हो सकती भैया। आपको ये 25 पैसे बताने के बाद आपको 10 रुपए की पड़ रही है, आप कमा नहीं सकते इसके अंदर में। मेरे पास ये 1.5 रुपए की आइटम है, 3 रुपए का, 6 रुपए का, 12 रुपए का डब्बा नहीं है, मेरे पास ये 18 रुपए का डब्बा है जी। ऐसे ना मैं 2-4 वैरायटी आपको आज दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। पैसा आपका होगा, कस्टमर के पास जिसके पास पैसा है उसको शॉपिंग करनी है, करना उसने अपने मन का ही है, चाहे मैं कितना भी बोलूं कुछ भी करूं, कस्टमर का माइंड नहीं पता कि किस तरफ जाना है। हो सकता है उसको 25 पैसे वाला पसंद हो। नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं, ऐसे के अंदर में आएगा, ये देखिए ये 2 रुपए के अंदर वैरायटी आएगी। ये भी डब्बा कोई 3 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए का नहीं है, ये 24 रुपए का बॉक्स रहने वाला होगा। ये 24 रुपए के अंदर बॉक्स है भैया, 24 रुपए का खरीद सकते हो तो मेरे पास आना, 25 पैसे वाली कोई आइटम नहीं होगी मेरे पास में। ऐसे में छोटी नेल पेंट की बात करते हैं, देखिए ये भी पीस मेरे पास में ना आपको 3.5 रुपए का पड़ेगा, ये पीस भी आपको 3.5 रुपए का पड़ेगा मेरे पास में। भैया आप किसी भी शॉप पे जाके बैठ जाना और रेट ले लेना कि मैं 3.5 रुपए बोल रहा हूँ, मैं 3.5 रुपए में आपको दूंगा 42 रुपए दर्जन जी। लेकिन अगर दूसरी शॉप पर बैठना ना, आपको इसका भी बताएंगे 50 पैसे बताएंगे भैया, आप देख लेना। ऐसे में थोड़े ब्रांड की तरफ बात करते हैं, तो ऐसे के अंदर में पीस आएगा 5 रुपए के अंदर में, ये भी 25 पैसे 50 पैसे 58-54 का नहीं है भैया, महंगा है माल भैया, मत आना बिल्कुल भी लेने के लिए। लेकिन वीडियो को जरूर देखना, दुकान पे विजिट करना जी। दुकान के अंदर में माल जिस रैक के अंदर भी हाथ मारोगे ना, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले किया हुआ है, पूरा माल भरा हुआ मिलेगा आपको। आप 10 लाख का भी माल मांगोगे दुकान के अंदर में तुरंत मिलेगा आपको, ऐसा नहीं बोला जाएगा आप गोदाम के अंदर में जाके माल को निकाल लो। नेक्स्ट आइटम आपको ऐसी दिखाने वाला हूँ मैं, 5 रुपए के अंदर, ठीक है, ये 3 दर्जन का बॉक्स होगा, 5 रुपए, 60 रुपए दर्जन की आइटम होगी, 180 रुपए के अंदर में मैं आपको दूंगा। अगर आपको कोई कहता भैया 50 पैसे का पीस है ना, आप मेरे से बिजनेस को स्टार्ट कर लेना, 50 पैसे पीस से आप समझ सकते हो, 18 रुपए का बॉक्स होगा वहां पर, आपसे मैं 60 रुपए में खरीद लूंगा। आपको 42 रुपए दर्जन, 42 रुपए के बॉक्स के मार्जिन पर मैं आपसे व्यापार शुरू कर रहा हूँ, आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जी। अगर आपको कोई बोलता है जैसे कि इस बॉक्स की बात करते हैं, किसी ने आपको बताया 25 पैसे, 3 रुपए का बॉक्स हो गया, भैया मैं आपसे ना इसको बॉक्स को 24 रुपए में लूंगा जी, आपको ना यहाँ पर ही मैं 21 रुपए बॉक्स का बेनिफिट कराने वाला हूँ। 25 पैसे के लिए बहुत बड़ा सदर बाजार है, आप कहीं से भी आना, आप चाहे कलकत्ता से आना, बॉम्बे से आना, नई दिल्ली उतरना, पुरानी दिल्ली उतरना, बस अड्डे, ISBT कश्मीरी गेट उतरना, जिस चौक से भी बीच के अंदर में सदर बाजार के चौक आएगा वहां पर आपको एजेंट जरूर मिलेगा जो कि कार्ड देगा आपको और बोलेगा 25 पैसे, आप उसके साथ जाना, 25 पैसे से 3 रुपए का बॉक्स है, आप ना 30 रुपए का मुझे देके चले जाना, आपसे बिजनेस मैं स्टार्ट करूंगा, इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। नेल पेंट की बात करते हैं, हुड्डा ब्यूटी वगैरह, जेल मिलेगा इसके अंदर में, ग्लिटर मिलेगा, मैट मिलेगा, स्मोकिंग मिलेगा, डार्क मिलेगा, ये पीस मेरे पास में 15 रुपए से स्टार्ट होगा, 15 रुपए से, ये भी 5 रुपए का आपको 25 पैसे का जहां मिलता हो वहां से लेना। मेरे पास ना तो मोल भाव होता है,
15 तो 15 फिक्स रेट की दुकानदारी, एक रेट की दुकानदारी होगी, छोटा है बड़ा है पुराना है नया है बच्चा है बूढ़ा है, ये 15 रुपए का आइटम होगा, 14 रुपए 75 पैसे भी नहीं ये लगेगा, 25 पैसे भी कम नहीं होंगे इसके अंदर में। लेकिन आपको ना वीडियो ऐसी भी देखने को मिल रही होंगी जिसके अंदर आपको बताया जा रहा होगा 2 रुपए का पीस जी, मैं आपको 15 रुपए का पीस दूंगा, खरीद लेना किसी दुकान पर मिलता हो तो, मेरे को दे देना आप 25 रुपए के अंदर में जी, किसी भी दुकान पर बैठना ना आपको बताएंगे 2.5 रुपया, बॉक्सेस के अंदर में बताएंगे आपको एक बॉक्स पड़ेगा 360 रुपए का। लेकिन आप एक बात बताइए, ये पीस 2.5 रुपए का बताया, 360 रुपए का बॉक्स कैसे हुआ जी? ना तो इसमें 12 है ना 24 है, ये भैया 6 पीस का बॉक्स है, मात्र 6, 5 के बाद जो 6 आता है ये वो 6 पीस का बॉक्स है, मेरे पास 5 रुपए में नहीं है, 18 रुपए के अंदर में पीस है जी, मैं 18 रुपए के हिसाब से ना आपसे 6 पीस के पैसे लूंगा। आप नेक्स्ट दुकान पर जाओगे आपको 2.5 रुपए का पीस बताएंगे, बॉक्स बताएंगे 360 रुपए का, लेकिन 360 रुपए का हुआ कैसे जी? ये सदर बाजार के अंदर में होता है, बहुत सारे कस्टमरों की डिमांड होती है कि सदर बाजार की वीडियो देखी बड़ा सस्ता था, लेकिन वो सस्ता खत्म हो जाता है, कस्टमर को बताया कुछ जाता है दिया कुछ जाता है, कस्टमर को मैं इतनी सारी वैरायटी खोल के दिखाऊंगा ना भैया कंफ्यूज जाएगा, तो कस्टमर खुद कंफ्यूज हो जाएगा और जल्दी जल्दी धागा बांध देते हैं उसके ऊपर। इसके अंदर में क्या है, मैं अगर ये वैरायटी दिखाई ये दिखाई ये दिखाई, मैं कस्टमर को सामने वाले को पूछ लूंगा भैया ये क्या रेट बताया था, कस्टमर इसका रेट नहीं बता सकता मेरे को। सस्ते के अंदर में जैसे कि लिपस्टिक की एक बात करते हैं, एलोवेरा गारंटी के अंदर में 5 रुपए के अंदर में पीस पड़ने वाला होगा, मात्र 5 रुपए के अंदर में। और लिपस्टिक की बात करते हैं ऐसे के अंदर में, ये भी आप मार्केट के अंदर में आना आपको बताया जाएगा 25 पैसे 50 पैसे, ये भी मेरे पास 2 रुपए का मिलेगा ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए 25 पैसे वाला नहीं होगा, ये भी 2 रुपए का होगा जी, ये भी 2 रुपए का इसलिए है कि इसके अंदर में पूरा ग्रीन है ठीक है, लगाने के बाद जब मेल्ट होगा तो ये पिंक होगा ठीक है, एक ही कलर होगा इसलिए ये 2 रुपए का पीस है जी। इसी के अंदर में मल्टी शेड की तरफ जाते हैं हम लोग ना, तो वो 2 रुपए भी खत्म हो जाता है, मल्टी होते के साथ 5 रुपए का पीस हो जाता है, 2 रुपए वाली चीज ही खत्म हो जाती है। इसमें 2 रुपए का रीजन था कि ये एक ही कलर है पिंक शेड, लेकिन आप किसी भी शॉप पर बैठोगे ना ये भी आपको 25 पैसे का पीस बताया जाएगा, और इसके अंदर में 12 पीस नहीं 13 पीसेस होते हैं। देख सकते कितनी अच्छी नॉलेज देखने को मिल रही है आपके यहाँ पर। बाकी भैया कस्टमर की अपनी डिमांड होगी जो भी होगी, कस्टमर को अब ऐसा तो नहीं है कि कोई घुट्टी खोल के पिलाऊं तो वो मेरे को समझे, जेन्युइन शॉप होने वाली है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरी दुकान मेरा माल, माल देने वाला मैं, बिल बनाने वाला मैं, पैसे लेने वाला मैं, आप जो वीडियो देखते होगे ना आप उसके साथ में आए, फोन किया आपने, आप दुकान में बैठे होगे, वो दूसरे ग्राहक को ढूंढ रहा होगा, वो दूसरे ग्राहक को लेके आएगा तो उसको कमीशन का लालच है, वो कमीशन एजेंट भैया, यहाँ पे कमीशन का लालच नहीं है, ये भी 25 पैसे का पीस नहीं है भैया, 7.5 रुपए के अंदर में पीस आएगा जी। मैं यही एक बता रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर में क्या होता है, कॉस्मेटिक और मनिहारी, दिवाली और करवा चौथ, और चलने वाले आगे फेस्टिवल के अंदर में होली, लोग शॉपिंग करते हैं। आज के टाइम में क्या होता है भैया, मानो कि किसी को 10,000 का सामान लेना है, कोई गांव देहात से आया 10,000 पे किसी के पास नहीं है, कोई ब्याज पे लेके आता है, कोई जेवर गिरवी रख के आता है, तब 10,000 पे इकट्ठे करता है तो माल लेता है, लेकिन उसके साथ भी गलत हो जाता है। केवल ये उनको जगाने के लिए ना एक वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो अपडेट कर रहा हूँ मैं केवल उन व्यापारियों के लिए जो कुछ कमाने के लिए घर से निकले हैं जी। आप जो 25 पैसे के लालच में सदर बाजार में ना आए, ऐसे के अंदर में पीस पड़ेगा आपको 10 रुपए के अंदर, ये देखिए 10 रुपए के अंदर में पड़ेगा। 58-54 वाले तो बिल्कुल मत आना भैया, 58-54 का कुछ नहीं होता, ऐसे के अंदर में आएगा आपको 12 रुपए के अंदर में। जो शेड है आज मैं माल कम और आपको समझाना ज्यादा चाहता हूँ। नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं, हुड्डा ब्यूटी। वैसे तो नाम इतना ब्रांड था इसका कि इंडिया के अंदर ना इसके नाम को भी मीनिंग करने के अंदर शायद 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन इस हुड्डा ब्यूटी को भी ना लोगों ने बदनाम कर दिया। देखो भैया ऐसे के अंदर में मार्केट की आइटम मात्र 60 रुपए के अंदर, और अगर आपको यही चाहिए ना भैया वहाँ 60 में मिल रही है, आप होलसेल के अंदर में क्या कर रहे हो, मैं 55 रुपए में दूंगा। यहाँ से मेरे को पैसे दे के जाना, आप माल लेके जाना, घर पे यूज नहीं करोगे इसको, उठाओगे और घर के अंदर में बच्चा होगा ना, और अगर कहीं किसी वाइफ का हस्बैंड ले गया तो उस घर में तो पक्का झगड़ा होना है जी, क्योंकि इसके अंदर दिक्कत ही दिक्कत है, बिगड़ना दिक्कत के इसमें कुछ नहीं है, और डस्टबिन में ऐसे फेंका जाएगा इस माल को, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर में। अब टॉपर्स के अंदर में बात करते हैं, टॉपर्स की एक वैरायटी आती है ऐसे के अंदर में, मार्केट में आएंगे आप, आपको बताया जाएगा 25 पैसे, भैया 50 पैसे में मेरे को दे देना जी, 25 पैसे बताएंगे आपको, तो आप पढ़े लिखे, आज का जमाना है, मोदी जी ने सबको पढ़ा लिखा बना दिया है, स्वच्छ भारत अभियान के साथ में बहुत कुछ
जागरूकता अभियान में उन्होंने जोड़ा, मैं आपको 25 पैसे नहीं 50 पैसे दूंगा, और 50 पैसे मैं जोड़ी नहीं दूंगा, एक पीस दूंगा। तो इसको मैं 50 पैसे बोलूं या 1 रुपया बोलूं, वो आप खुद समझ सकते हो। ये भी मेरे पास 25 पैसे में नहीं होगा। नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं, भैया को बताता हूं, कुछ खड़े होकर वैरायटी दिखा देंगे, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी होगी कि आप भी परेशान होंगे और मैं भी परेशान होऊंगा। ऐसे नाइस के अंदर में ना टिक टिक आता है और रबड़ आता है। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में 12 पैकेट होते हैं, एक पैकेट के अंदर में 6 पीस होते हैं जी। कस्टमर को बताया जाएगा 1 रुपये 25 पैसे, कस्टमर को बताया जाएगा 1 रुपये 25 पैसे। आप कस्टमर होके पैसा खर्च कर रहे हो, ये पूछो ना 1 रुपये 25 पैसे में क्या है। और उसको ये भी बताया जाएगा 432 रुपये का बॉक्स, वो कैसे हुआ 432 रुपये का बॉक्स, मैं बता रहा हूँ भैया 2.5 रुपये का है, 2.5 रुपये का 180 रुपये का बॉक्स पड़ेगा, जितने मर्जी बॉक्स ले जाना। अब आपको 180 रुपये वाला बॉक्स लेना है और या फिर 432 रुपये वाला बॉक्स लेना है, वो कस्टमर के ऊपर अपना माइंड होता है कि वो करने वाला क्या है। वो आपको 1 रुपये 25 पैसे बताने के बाद भी 432 रुपये का बॉक्स दे रहा है, मैं आपको 2.5 रुपये बताने के बाद भी ना 180 रुपये के अंदर में बॉक्स दे रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि सदर बाजार में क्या होता है। यहाँ पर जिस कोने से भी निकलोगे ना, वहां पे भी आपको एजेंट खड़ा हुआ मिलेगा जी। आप बाथरूम भी जाओगे ना सदर बाजार में, वहां पे भी वो आपको बाथरूम के लिए भी लेके जाएगा ना, उसको भी 1-10 रुपये का लालच है। 5 रुपये तो आप अंदर दोगे दोगे, लेकिन उसको बताने के भी 10 रुपये दोगे। आपको माल लेना है, हमारी दुकान पर विजिट करो, किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं नंबर पहले भी बता चुका हूँ, बंस ट्रेडिंग के नाम से हमारी दुकान होगी, सदर बाजार कुतुबगढ़ मेन चौक पर होगी, कोई गली मोहल्ले में दुकान नहीं होगी, मेन रोड पर दुकान होगी। 104 नंबर शॉप का नंबर होगा, पंजाब सिंध बैंक जो है उसके सामने होगा, तेलीवाड़ा चौक बिल्कुल लोकेशन में होगा, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। सदर बाजार में आप सोच सकते हो, आप माल लेने आए हो लाखों रुपए का, आप बाथरूम भी जा रहे हो ना, तो भी उसको 10 रुपये देने हैं, क्योंकि उसने आपको बताया। अगर वो आपको शॉप पर छोड़ेगा ना, तो सोचो क्या होगा आपके साथ में जी। ये सोचने वाली एक बहुत बड़ी बात होगी कि आपके साथ में क्या होने वाला होगा। और जो लोग वीडियो बना के डालते हैं, मैं पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूं, जो लोग वीडियो बना के डालते हैं, आप उनके साथ में आना, आपको दुकान में छोड़ेगा, वो आपके जैसे किसी दूसरे को ढूंढ के लेके आएगा, क्योंकि उसका कमीशन वहां पे सेट है। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी खुद की दुकान है, मैं ही आपको माल दिखाऊंगा, मैं ही आपका बिल बनाऊंगा और मैं ही पैसे लूंगा। ये वीडियो कोई दलाल या किसी एजेंट की नहीं बन रही, ये दुकान की, खुद अपने दुकान के मालिकों की वीडियो बन रही है। इस दुकान के ऊपर एक मालिक नहीं मिलेंगे, आपको 3-3 मालिक मिलेंगे, और मालिक भी कोई बाहर का नहीं होगा, हम सारे भाई लोग होंगे जी। आप दुकान पर आओ, माल मत लो, विजिट करके जाओ, चाय पी के जाओ, उसके लिए मोस्ट वेलकम होगा जी। करवा चौथ स्पेशल के अंदर में हमने जो है, जो भी लेडीज थी जो हस्बैंड के साथ में आती हैं, उनको हमने एक ऑफर के अंदर में ये नहीं बोला कि 25 पैसे की नेल पेंट है, हमने उनके लिए ना एक बिंदी का कैलेंडर 24 पीस का फ्री रख दिया जी। आप माल मत लेके जाना 1 रुपये का भी, दुकान पर विजिट करना, चाय पी के जाना, उसके लिए मोस्ट वेलकम है, और एक बिंदी का पत्ता हमारी दुकान से लेके जाना जी। इतना तो कर ही सकते हो, पैसा नहीं देना उसके लिए, वो फ्री में लेके जाना, उसका कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। बहुत बड़ी बात मैंने बताई है आपको कि किसी भी दुकान में सदर बाजार में बैठोगे, ये डब्बा जो इसमें रबड़ है टिक टिक है, आपको 1 रुपये 25 पैसे बताने के बाद 432 रुपये का बॉक्स मिलेगा। मैं आपको 2.5 रुपये बता रहा हूँ, मैं 180 रुपये के अंदर में आपको बॉक्स दूंगा। आप समझ सकते हो कि 180 को भी डबल करते हैं तो 360 होता है, वो 432 कैसे हुआ ये पूछो ना, जिसके साथ आए हो उसका कमीशन इसके अंदर में लगा हुआ है भैया, 20-25% कमीशन होता है। इसलिए हर व्यापारी को बताना चाहता हूँ कि आप उससे बचो, जो 10,000 का बिजनेस शुरू करता है, कोई अपने बीवी के जेवर रखता है, कोई ब्याज पे पैसे लेके आता है, और उसको जो है सदर बाजार के जो एजेंट लोग होते हैं वो सबको खा जाते हैं। ऐसे में वैरायटी की बात करते हैं, ये सिंदूर के अंदर में बाजार में आओगे आपको बताया जाएगा 50 पैसे का है, 1 रुपये का भैया मुझे भी ला देना, आप 50 पैसे का ले लेना, 1 रुपये का मुझे भी ला के देना, उनसे मैं भी एक बिजनेस कर लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है बॉम्बे कलकत्ता या मिजोरम से माल मंगाने की, क्योंकि आप ही मेरे को माल दे दोगे। ये भी मेरे पास आपको 2.5 रुपये के अंदर में पीस पड़ेगा, इस पैकेट की जो कीमत होगी ना वो 30 रुपये के अंदर में होगी जी। ऐसे के अंदर में लिपस्टिक की, काजल की, सिंदूर की कोई भी बात करें, मेरे पास बहुत कुछ मिलने वाला होगा। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ दो एक वैरायटी के अंदर में, और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो नहीं बना सकता ज्यादा लंबी। ऐसे के अंदर में आपको बनाना क्लचर मिलेगा, ठीक है, वो भी 5 रुपये के अंदर में, ये भी 58-54 के अंदर मेरे पास आपको नहीं मिलेगा। ऐसे के अंदर में क्लचर मिल जाएगा आपको 2.5 रुपये के अंदर में, 1 रुपये 25 पैसे वाले तो ना कॉल करना ना आना, हो सकता है मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको महंगी लग रही हो, आपको मेरा सामान महंगा लग रहा हो, कुछ भी महंगा लग रहा हो,
आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरे पास में पीस 2.5 रुपए का होगा ये, और कहां से देख रहे हैं वीडियो ये भी जरूर बताएं, कहां तक पहुंची वीडियो, कहां तक वीडियो पहुंची। आप जो है उसके ऊपर आपको मोस्ट वेलकम है। गलत कमेंट करने के लिए भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप वीडियो को जरूर देखें। ये देखिए 2.5 रुपए के अंदर, कस्टमर को मैं अटेंड करूंगा कि आप 5 रुपए के अंदर इस पीस को बेच सकते हो तो 2.5 रुपए का लो, अदरवाइज मत लो जी। ये 25 पैसे 50 पैसे की आइटम नहीं भैया, 2.5 रुपए का एक पीस पड़ता है ना तो 30 रुपए दर्जन से, 2 दर्जन का डब्बा होता है, आप देख सकते हो 120 रुपए का बॉक्स। आपने 120 रुपए खर्च करे भैया, एक पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज हो सकता है कि मेरी सेविंग बड़ी है, बाल बड़े हैं, मेरे बजट से बाहर हो, जो कि मेरे पास आज 100 रुपए ना हो कि जो कि मैं अपने आप को भी केयर कर सकूं। यही मेरे हर कस्टमर के साथ में एक सी डील रहती है कि कस्टमर जो मुझसे जुड़ा है वो भी कमाए और हम लोग भी कमाए। कम से कम बुरा अच्छा नहीं बोलेगा तो बुरा भी नहीं बोलेगा। कस्टमर का पैसा अगर अपना पैसा समझोगे ना तो बहुत कुछ वो भी करेगा और हम भी करेंगे जी। दोनों का नाम कमाने के लिए अगर हमने उसको माल सही दिया है, उसने बेका है, वो हमारा कहीं भी नाम लेगा। और वीडियो आज तक तो बनाने का कोई शौक ही नहीं था, केवल एक कस्टमर को व्यापारियों को जागरूक करने के लिए चीज थी ये वीडियो आपके लिए।